हेलो स्टूडेंट, टुडे आई रीड साइंस क्लास 8th लेसन 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, अर्थात कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक्स। इन्वेंशन ऑफ क्लोथ इज ए माइलस्टोन इन स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। कपड़े के आविष्कार ने हमारी सभ्यता में एक माइलस्टोन साबित किया है। प्री हिस्टोरिक पीपल यूज टू लीव्स एंड एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। आदि मानव अपने शरीर को ढांकने के लिए पेड़ों की पत्तियां, जानवरों की खाल को यूज किया करता था। नाउ डेज इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन। आज के दिनों में ऐसा करना असंभव है और आश्चर्यचकित भी है। अवर एक्सिस्टेंट विदाउट क्लोथ, हमारा शरीर बिना कपड़ों के नहीं रह सकता। एवरी क्लोथ इज मेड ऑफ फाइबर, प्रत्येक कपड़ा फाइबर से बना होता है। ए फाइबर इज ए बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, एक फाइबर किसी भी कपड़े को फैब्रिक करने के लिए एक बेसिक यूनिट होता है। ए फाइबर इज ए काइंड ऑफ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक क्लोथ। कोई भी फाइबर एक विशेष प्रकार का धागा बनता है जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, मजबूत होता है, जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है, नेट बनाया जाता है, रोप बनाई जाती है, शर्ट, साड़ी और कर्टेंस बनाई जाती हैं। अब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के प्रकार। फाइबर कितने प्रकार का होता है? फाइबर ऑफ टू टाइप्स, फाइबर दो प्रकार का होता है, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर, अर्थात प्राकृतिक रेशे और मनुष्य के द्वारा बने हुए रेशे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक फाइबर्स क्या होते हैं। दीज फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। प्राकृतिक रेशे प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वी गेट दीज फाइबर आइदर फ्रॉम प्लांट, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं यह प्रायः कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर के प्लांट से प्राप्त होते हैं। और कुछ एनिमल फाइबर होते हैं जैसे वूल, सिल्क, ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड नेचुरल फाइबर एंड देयर सोर्सेस आर गिवन बिलो। कुछ प्राकृतिक जो फाइबर्स हैं इनके स्रोत हैं और ये कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे सिल्क, वूल, कॉटन, हेम, जूट, लेनिन एक्सेट्रा, और इनके सोर्सेस दिए हुए हैं। अगला आता है सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे। दोज फैब्रिक आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर जो मनुष्य के द्वारा उद्योग धंधों में या इंडस्ट्रीज में रासायनिक या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सहायता से बनाए जाते हैं, ऐसे रेशों को सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। जैसे रेयन, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आसम सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स से हमें क्या फ़ायदे हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। दे आर क्रीजिस रेसिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट क्रीज करते हैं। दे आर नॉट अटैक्ट बाई मॉथ एंड माउल्ट्स, ये मॉथ और माउल्ट्स के द्वारा अटैक नहीं किए जाते, अर्थात मॉथ और माउल्ट्स कीड़ा इसमें नहीं बैठता है। दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन, इनको धोना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। दे ड्राई क्विकली, अर्थात जो मैनमेड फाइबर होते हैं वो आसानी से सूख जाते हैं। दे कैन बी डाइड अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप, ये आसानी से रंगे जाते हैं विभिन्न अट्रैक्टिव रंगों में और इनको इच्छा अनुसार शेप में भी बदला जाता है। अब आता है डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से क्या नुकसान है?
दे डू नॉट अलाउ एयर पास टू फ्रीली थ्रू देम एंड हैंस नॉट गुड फॉर समर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें से हवा स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंच सकती है और ये हमें ठंडक नहीं बल्कि गर्मी पहुंचाते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट ए नेचुरल फैब्रिक टू। सिंथेटिक फाइबर मनुष्य के शरीर में पसीना को सोखता नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक सूती कपड़ा पसीने को सोखता है। दे गेट डैमेज बाई हाई टेम्परेचर वैन आयरन। और सिंथेटिक फाइबर पर जब प्रेस की जाती है तो ये डैमेज भी हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने से। दे कैच फायर मोर ईजीली देन कॉटन और वूल। ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं कॉटन और वूल की तुलना में। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ? ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स जॉइंट टुगेदर फॉर्म ए पॉलीमर। एक सिंगल जब किसी धागे का या फाइबर्स का लॉन्ग चेन बनाया जाता है जिसमें स्मॉल यूनिट उसे मोनोमर्स कहते हैं, जब ये मोनोमर्स आपस में जॉइंट करके एक धागा तैयार कर दिया जाता है जिसे पॉलीमर कहते हैं। ए पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट। एक पॉलीमर कई मोनोमर्स रेशों की यूनिट्स होती है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट फ्रॉम पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वह क्रिया जिसमें कई प्रकार के मोनोमर्स यूनिट को आपस में ऐड कर पॉलीमर्स यूनिट बनाई जाती है जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। मोनोमर्स हैं कई और इन मोनोमर्स को जॉइंट करके पॉलीमराइजेशन की क्रिया से हम सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।